कहते हैं किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वेल, मेरे लिए अरुणाचल जाना भी कुछ ऐसा ही था। तो मेरी अरुणाचल की ट्रिप शुरू हुई आज से कुछ एक महीने पहले एंड आई गॉट टू स्पेंड 17 डेज इन ईस्टर्न अरुणाचल विजिटिंग वन विलेज After another and another and another. Meet Sange and Tashi from Holiday Scout, my trip organizers from Arunachal, and more than that, मेरे इस खूबसूरत से सफर के सबसे फेवरेट वाले साथी। तो शुरू करते हैं हमारी पहली जर्नी से और आज हम जा रहे हैं बसर, a remote town in eastern Arunachal. और ये टाउन कितना ज्यादा रिमोट है well, वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वेलकम टू अरुणाचल। थैंक यू। टू एंटर अरुणाचल प्रदेश यू हैव टू टेक द परमिट एंड दिस इज द प्लेस वेयर दे विल बी चेकिंग योर परमिट, लिखाबली। सो लिखाबली जगह का नाम है और सांगे के हाथ में मेरी परमिट है। तो कुछ 18 आवर्स की फ्लाइट और 8 आवर्स की ऑफ रोडिंग के बाद मैं बसर पहुंच तो गई, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि मेरी अगली सुबह कितनी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली थी। हमारा लेपारेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बसर और हमारे यहाँ गोरीचू में आप सभी को वेलकम है। इट्स सो ब्यूटिफुल एंड इट हैज रेन्ड ऑल नाइट। लेट मी गो आउट एंड शो यू गाइस दिस विलेज। Wow. I feel that I have literally landed into a dreamland. This place is so beautiful. So Arunachal Pradesh is also the largest among the seven sister states of Northeast India, and majority of the population of Arunachal Pradesh are tribes. So यहाँ पे mainly 26 tribes और 100 sub tribes है। अल्दूरे? अंतु। अंतु। आपको हिंदी आती है? नहीं आती है? नहीं, बड़े नक्क है। मैं सीख लूँगी अभी थोड़े दिनों में आपकी लैंग्वेज भी। तो बसर में मेनली गालो ट्राइब्स रहते हैं और ये जगह जो है इट्स सो ऑफ बीट, सो रिमोट, यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लाइक अ प्रॉपर गालो ट्राइब हाउस। बसर में आज मेरा पहला दिन था एंड ऑल आई वांटेड टू डू वाज मीट लोकल्स, लर्न अबाउट देयर कल्चर, feel the place and sip gallons of chai from one cup after another. ये हम लोग का लोकल दाव है, ये जो ना कैसा होता है दिखाएंगे। ये लोकल दाव है, मीट कटने का काम आता है, जंगल कटने का ऐसा है। तो यहाँ के जो लोग हैं गालो ट्राइब, दे स्पीक गालो लैंग्वेज ओनली
ये जो बसर टाउन है और उसके अंदर जो है सारे विलेज और ये बस्ती है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल बास्केट गालो ट्राइब का, इट्स कॉल्ड एगेन। वो जब मार्केट जाते हैं या खेत में जाते होते हैं, उनके पास जितने भी सामान होता है वो उसमें डाल के एंड देन दे हैंग इट लाइक दिस और लाइक दिस। I'm loving it. It's looking so pretty. I'm looking like a traditional Galo girl. ये basket लेके मैं अभी खेती करने जा रही हूँ। खाली है, उधर से आऊँगी खेत से लौट के तो इसको भर के लाऊँगी। And what caught my attention was this traditional jewelry. This one, it's for 1 lakh plus. और ये वाले जो है it's 40,000 onwards है। ये थोड़ी सी सस्ती है, but it's very heavy. एंड जैसे हमारे लिए गोल्ड का प्राइस होता है, उनके लिए ये है। तो अभी होम स्टे से आई एम गोइंग टू अ प्लेस, इट्स कॉल्ड हिमी पबदे, या वहाँ पे लोकल खाना बनते हुए देखेंगे हम। So they are making this authentic Galo food. Let's ask them what exactly they are preparing. पहले इसको रोल करते हैं ना, रोल करके या आपसे पोल्ट करके या फिर गुस्सा देने से हो गया, और या फिर चावल दब के पानी डाल के वहाँ पे ढका देने से हो जाए। कितना चावल डाला है? इतना ही, आधा आधा डालना है इसमें। दो से तीन लोग खा लेते हैं इतने चावल में, जितना हो सके ज्यादा डालते हैं। सब्जी है, वो सब्जी में हम लोग ये डालते हैं जंगल का घास पट्टा। अच्छा। तो ये रारो और ये जोको, ये जो बनाना ट्री है उसको पार के हम लोग अंदर का ले लेते हैं, ले लेके हम लोग इसके पीस करके इस पे मिला देते हैं इस पे। तो हम इसकी सब्जी बना रहे हैं। हाँ हाँ। कितना टाइम लगता है इसको पकने में? ज़्यादा नहीं, 20 मिनट। 20 मिनट पक जाता है। ये बनाना फल पार्ट है। हाँ। क्योंकि ये एरिया में जहाँ पे हम इसको बाम का हिमी पुप्पी कहते हैं, यहाँ पे इसका वाटर का स्कार्सिटी है, तो हम लोग जहाँ पे पानी जंगल में चाहे ये इसको जोड़ के या कहीं भी जाने से जहाँ पानी नहीं होते, इससे हम लोग अपना हाथ धो लेते हैं। वो जो वहाँ कुक हो रहा है वो हाँ, यही है। हाँ यही है, यही और है। इसके बाहर वाले पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट्स को हम हाथ धो लेते हैं। चिकन और ये लिप्स दिस इज गोइंग टू बी माय मील। इट्स लाइक कुक्ड सो वेल, टेंडर हो गया। इट टेस्ट सो डिफरेंट, देयर इज सो मच ऑफ ग्रीन चिली। मैं अभी कह रही थी ताशी को ऊपर कि मुझे मिर्च खाने का मन कर रहा है। एंड देन आई हैव टू प्लेट्स, एक तो ये नीचे मैं लेके आई हूँ और एक ये पैक्ड मील फॉर मी। आई जनरली डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना टेस्टी होगा। और ये जो बनाना वाला जो हमने देखा था, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, चिकन के टेस्ट के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। क्या बोलते हैं इसको? कदम बोले, कदम 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 कदम, जो भी अच्छा है। तो अभी इधर बाम में ही आई एम गोइंग फॉर अ छोटी सी हाइक। आई सो लव दिस प्लेस। आप लोगों को बाजार में आजकल डिस्पोजल प्लेट मिलते हैं, हम लोग का पूर्वज ने इसी पट्टे पे हम लोग को खाना खिलाया, यही वन टाइम यूज होता है डिस्पोजल सिस्टम में, इसी को हम यूज करते हैं। एक्चुअली ये सफिशिएंट है एक प्लेट के बराबर। इट्स प्लेजेंट हियर, क्लाउडी सा मौसम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नाकुम टेम्पररी हाउस। तो जब भी यहाँ पे खेती वेती होती है तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए ये घर होते हैं। खेती ख़त्म, घर भी ख़त्म, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टेम्पररी हाउस। अब तक तो मैंने बसर में बस एक ही दिन बिताए थे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड फॉलन इन लव विद दिस प्लेस एंड ऑफ कोर्स विद द पीपल हियर।
मॉर्निंग. नहाना है. दिस इज द सेंट्रल फायर प्लेस वाली जगह. इट्स अ लिविंग एरिया उनके लिए और यहाँ पे हर घर में यू विल फाइंड दिस. तो इस पे ही खाना बनाते हैं. दे सेट अराउंड इट, हैव देयर फूड, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग. आई जस्ट वोक अप और मेरा यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए. इसमें दो एंट्रेंस होती है. तो ये वाला जो आप देख रहे हो, दिस इज़ लाइक मेन, मतलब घर के मेन गेट से ये वाली एंट्रेंस, और यहाँ से सिर्फ मेल मेम्बर्स कैन एंटर. एंड दिस साइड ये बैक यार्ड वाली एंट्री है और यहाँ से विमेन विल एंटर. आई एम गोइंग टू मेक माई ओन टी हियर. अदरक वाली चाय बिना चीनी और कम दूध के. ताशी इज असिस्टिंग मी इन मेकिंग टी. और ये रहा चाय पत्ती की और चाय की तालियां के साथ स्वागत किया जाए. बहुत भारी मात्रा में मेरे चाय की इंसल्ट हो रही है यहाँ पे. अभी तो ये बॉयल होगा ना. ये दूध चाय नहीं, ये पानी चाहिए. इट्स गुड, यू बेटर से इट्स गुड. इस दुनिया में आने का मींस यही चाय नहीं पिया तो क्या पिया ना. ये बॉयल है ना, इसको डीप फ्राई कर रहे हो. स्मोकी एग्स. हियर इज माय ब्रेकफास्ट, फ्राइड राइस. ये मेरा नहाने का पानी. सो After meeting the locals, spending time with them, learning about their culture, today all I wanted to do was indulge in some shopping and visit a nearby village. So I'm at a market in Basar. Basar ki local market hai Lepada district mein. Is dukaan mein bahut sari traditional jewelry milti hai. These necklaces are worn by Galo people. Tagum. और ये मंपू है, ये दोगलू है. ये दिस नेकलेस इज फॉर 10,000 रुपीस. ये भी 10,000. ये टम्पिला 1,000. दिस इज फॉर 3,000 रुपीस. गोलपत, इट्स कॉल्ड गोलपत. इट्स फॉर 350 रुपीस एंड सॉर्ट ऑफ लाइक इट. ओके, सो व्हेन यू वेयर इट यू हैव टू जस्ट प्रेस इट लाइक दिस सो दैट इट एडजस्ट. एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट. थैंक यू. अच्छा से जाइए. हाँ. This Balm village is also very similar to Gori 2 जहाँ पे मैं रह रही हूँ. But it's like little bigger and the houses are also very similar. ये हम लोग का बस्ती जो है 1963 में आया है ये बस्ती. तो ये बस्ती में population कितनी है? Population ऐसे तो अभी तो भोटाली से हिसाब से हम लोग का 300 तो रकम. हाय. हर गांव का एक यूनिक सा कल्चर है. फिलहाल तो मैं जितने भी जगहों पे गई हूँ, दिस ऑल आर अंडर बसर टाउन. तो यहाँ पे सब गालो पीपल ही हैं. ये वापस से जो आप ये फ्लैग देख रहे हो, This flag is for the people who follow Dhoni Polo religion. Basically, Dhoni Polo religion is older than Hinduism itself. Arunachal is all about exploring the local villages, gaon walon ke culture ko samajhna. Exploring Arunachal and all these places on your own can't be possible. And that's the reason you always need a travel agency or a guide to help you out. मुपुक पुंब गौर पाकुयम आराता को गोगक पाकुयम दिदोम पाजागुनु यरो. दिल में बहुत मतलब दिल दुख हो रहा है. सपना जैसा ये जिंदगी गुजर गया मेरा, वही गाना का उतरा हम बोल रहे. इतना खूबसूरत है. इसको देख के सब चीज भूल गया. जो लोग कहते हैं कि सादगी में ही खूबसूरती है, सच बताऊं तो बिल्कुल सच कहते हैं. इस गांव की लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं. आँखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता. आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता.
सो आई हैव कम टू द मार्केट ऑफ बसर टाउन. ये मेन मार्केट है, तो यहाँ के आसपास में जितने भी विलेजेस हैं, गोरी वन, गोरी टू, गोरी थ्री, न्यू बाम विलेज के लोगों के लिए ये जो है ये मेन मार्केट है. यहाँ पे दे आर लाइक छोटे छोटे बहुत सारे शॉप्स एंड यू बेसिकली गेट एवरी थिंग राइट फ्रॉम द बर्तन टू कपड़े टू जनरल स्टोर टू मेडिसिन. तो मैं यहाँ पे एक सब्जी के मार्केट में हूँ एंड देन आई कैन सी लाइक डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सब्जीज हियर. देयर इज दिस वेरी डिफरेंट लुक इन सब्जी. क्या नाम है इसका? मार्सा. मार्सा कोपई. कोपई एंड दिस इज तीता बैंगन. यहाँ पे मुझे मिल गई एक चाय और समोसे की दुकान. हम तो दुकान खोले हैं 98 में. ये भैया मेरे गाँव वाले हैं, ये बिहार से हैं, तो मेरा तो बनता था यहाँ पे आना. आई हैव बीन ईटिंग ऑल राइस एंड मीट एवरी डे और ऐसे में समोसा लहसुन की चटनी. आज रात गोरी टू गांव में लाइट नहीं थी और सर्दी की रात में आग के सामने बैठ के पॉपकॉर्न के साथ कुछ किस्से कहानियों को सुनने सुनाने का एक्सपीरियंस, वेल, एक मल्टीप्लेक्स में बॉलीवुड मूवी देखने के एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा बेहतर था. सो वी हैव आवर पॉपकॉर्न रेडी फ्रॉम फार्म टू द प्लेट. सिंस देयर इज नो पार्ट टुनाइट, हम सब यहाँ पे बैठे हुए पॉपकॉर्न बना रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं एंड दैट साइड आवर मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड. सो ऑल माय बैग्स आर पैक्ड एंड मैं बसर से अब निकलने वाली हूँ. ये मेरा लास्ट डे है आज बसर में. तो यहाँ के जो ओनर हैं मिंजू जी और उनकी वाइफ, उनको मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर सच अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी. क्या बना रहे हैं आप नाश्ते में? हम ये चावल फ्राई कर. होम स्टे जो है पति पत्नी मिल के दोनों का हाथ बटना चाहिए. पति चाहने से भी नहीं होगा, नहीं, और पत्नी चाहने से भी नहीं होगा. क्योंकि सच क्यूट किड्स हियर. मेरे को गन दोगे अपनी? ये ला. अरे वाह, लुक एट दिस गन. अल्दुरे. आई नो ओनली वन वर्ड एंड दैट्स अल्दुरे. इट मीन्स हाय एंड ऑल्सो हाउ आर यू. मैं कितना भी बोलूं मैं जस्टिस नहीं कर पा रही. इतनी सुंदर सी जगह है ना ये. मतलब यहाँ के जो लोग हैं, गालो ट्राइब, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका कल्चर, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज जस्ट सो अमेजिंग. वेलकम टू बसर अगेन. We have been invited at a house here for a traditional galo lunch. So this is a galo traditional drink. It's called poka. क्योंकि मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करती हूँ तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा बस टेस्ट कर लेती हूँ. इसको आप बनाते कैसे हैं? The traditional the opong of our galo community are prepared by the women folk. तो ये जो है राइस से बनता है. तो राइस से इसको हम जो है बनाने का बाद में इसको हम जो है 2 या 3 महीना के लिए इसको हम जो है कवरिंग करके इसको अच्छे कॉम्पैक्ट एरिया में रखता है. इट स्मेल्स लाइक आई डोंट नो. ओके लेट मी ट्राई दिस. इट हैज लाइक स्वीट टेस्ट फॉर समवन हु डजंट कंज्यूम अल्कोहल. दिस कैन बी अ लिटिल स्ट्रांग. दिस इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल डिश, वी कॉल इट ओइक. तो बस इतना ही सफ़र था यहाँ पे बसर का. सामान अभी कैब में रखते हैं और यहाँ से चलते हैं आलो. शाम के 4 बजे और इट्स ऑलमोस्ट लाइक सनसेट का टाइम. यहाँ पे सूरज बहुत जल्दी ढलता है क्योंकि यहाँ सूरज निकलता है बहुत जल्दी है. 10 बार बाय बोल चुकी हूँ फिर भी नहीं जा रही हूँ. अभी मैं बहुत मिस करूँगी आप लोगों को. हम लोग भी आपको मिस करेंगे. पक्का? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. अंटिल देन, बाय-बाय. इट्स ओनली फॉर द बेटर. दे से वी गोना बी ऑलराइट. इट्स ऑल